अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घारिस किचन। आज मैं उड़द के आटे का डांगर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक प्याज, बड़ा वाला प्याज लिया है कट करके, इसको बारीक बारीक से पतला पतला कट करके लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट के हिसाब से नमक डालो। अब इसमें मैंने 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक चॉप करके लिया है, एक हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके लिया है, और हरा धनिया। मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, तीखा। इसको हम हाथ से पहले अच्छे से मसल कर लेंगे। एकदम आसान सी रेसिपी है, कोकनी रेसिपी, इसको डांगर बोलते हैं। प्याज को अच्छे से नरम करेंगे, नमक डालने से प्याज नरम हो जाता है, एकदम झटपट बनती है। ये अच्छे से मिल गया, तब हम इसमें डालेंगे। मैंने देखी एक कटोरी उड़द का आटा है, इसको आखे जो छिलटे वाले उड़द आते हैं उसको भून कर छिलटा उतार कर पीसा जाता है, जो कोकनी लोग हैं उनको मालूम होगा। जैसे हम लोग कुलीद का छिलटा उतार कर भून कर पीसते, ये कच्चा आटा नहीं है, भुना हुआ है। तो एक कटोरी लिया है मैंने, इसमें डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सूखा लगा तो पानी डालेंगे, पहले इसमें मिक्स करके लेते हैं अच्छे से। तो अभी इसमें खट्टे के लिए मैं कोकम का पानी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून लिया है। आप नींबू डाल सकते हो या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भी इसमें पानी डालेंगे। देखिए मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला है, और इस तरह से इसको हम लोग गाढ़ा गाढ़ा ही रहता है ये। इस वक्त नमक वगैरह चेक कर सकते हो आप, थोड़ा सा और पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून। ये देखिए इस तरह से ही रहता है, ये अच्छे से हो गया। इसको पकाते वगैरह नहीं, इस तरह से ही खाते हैं इसको, रोटी के साथ, कोई भी रोटी के साथ अच्छा लगता है। वैसे ज्वारी और चावल की रोटी के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। देखिए एकदम आसान है, झटपट बन जाता है। ये तैयार हो गया, अब इसको सर्व करेंगे। ये हमारा डांगर बन के तैयार है, उड़द के आटे का डांगर, इसको कोकनी में डांगर बोलते हैं। एकदम मज़े का और टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना एक बार। इसको रोटी के साथ खाते हैं, और पहले गाँव में तो इसको ज़्यादातर नाश्ते में खाया जाता था, अब कभी भी खा सकते हो इसको। तो एकदम आसान, झटपट और मज़ेदार और हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।